नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं अहमदाबाद की चाणक्य प्राइमरी स्कूल में बहुत ही सुंदर सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रकल्प। आप देख सकते हैं अहमदाबाद के एक पॉश एरिया में बसी हुई स्कूल जिसका नाम है चाणक्य प्राथमिक शाला। और स्कूल के अंदर जैसे हम जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वर्षा जल संरक्षण हमारे भूजल को सुरक्षित और ऊपर लाने का एक बहुत ही सुंदर सा प्रकल्प रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से किया गया है। दोस्तों देखिए, ये रूफटॉप की वर्षा जल की पाइप ऊपर से आ रही है और इसी पाइप के नीचे जहाँ पे ये पाइप का पानी डिस्पोज हो रहा था वहीं पे पाइप को काट करके पीवीसी के बैंड लगा करके नीचे लाया गया है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं एक फ्लश वाल्व लगाया गया है जिससे कि पहली बारिश का पानी बाहर जाने दे सकते हैं। और ये फ्लश वाल्व जैसे ही हम बंद करेंगे पूरा वर्षा जल उसी टी कनेक्शन के माध्यम से रूफटॉप रेन वाटर फिल्टर में आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ एक सिंगल फिल्टर लगाया गया है और दूसरी तरफ दो रेन वाटर फिल्टर्स लगाए गए हैं। ये 1500 स्क्वायर फीट के आधार पे लगाए गए हैं और इसका आउटलेट का पानी अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से ले जा करके वहाँ पे रहे एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड टैंक में कनेक्शन दिया गया है। ये अंडरग्राउंड टैंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्षा जल का पानी भी आ रहा है और बोरवेल का पानी भी आ रहा है। इस अंडरग्राउंड टैंक में ये पानी लेने के बाद इसी टैंक का एक ओवरफ्लो आप देख सकते हैं, एक दूसरे रेन वाटर फिल्टर का पानी इस रेन वाटर पाइप के माध्यम से नीरेन रूफटॉप रेन वाटर फिल्टर में लिया है और उसी का क्लीन वाटर आउटलेट का कनेक्शन आप देख सकते हैं उसी टंकी में दिया है। अब टंकी के अंदर दो स्टेज के फिल्ट्रेशन के बाद जो वर्षा जल का संग्रह होगा वो वर्षा जल स्कूल के अलग अलग उपयोग में आएगा। अब उसी टंकी में एक ओवरफ्लो कनेक्शन दिया गया है, जो ओवरफ्लो कनेक्शन इसी स्कूल के परिसर के कोने में रहे बोरवेल को जोड़ा गया है जिससे कि वर्षा जल संवर्धन होने के बाद टैंक में संग्रह होने के बाद पूरा पानी, जो ज़्यादा पानी है, जो एक्सेस पानी है, वो इस पीवीसी पाइप के माध्यम से जो अंडरग्राउंड में लगी हुई है पूरा पानी बोरवेल के केसिंग पाइप में छेद करके कनेक्शन दिया गया है। और जितना एक्सेस वर्षा जल है वो वेस्ट नहीं हो रहा है बल्कि बोरवेल के केसिंग पाइप के माध्यम से उसी रिवर में जाकर के स्टोर हो रहा है जहाँ से हम रोज मर्रा की ज़रूरत के लिए पानी निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ सामने छोटा सा जो रूम बना हुआ है उसके अंदर प्रोडक्शन बोरवेल इंस्टॉल किया गया है जिस बोरवेल से पानी टैंक में आता है। हमने वर्षा जल को टैंक में स्टोर करने के बाद वहाँ से ओवरफ्लो कनेक्शन लेकर के इस बोरवेल में जोड़ दिया है। बोरवेल की जो केसिंग पाइप है, केसिंग पाइप में ये टंकी का ओवरफ्लो 4 इंच वाली पीवीसी की पाइप जोड़ दी है। आप देख सकते हैं ये कॉलम पाइप दिख रही है बोरवेल की और नीचे जो है वो बड़ी वाली केसिंग पाइप है। कॉलम पाइप और केसिंग पाइप के बीच में जो जगह है वो उसी रिवर तक है, इसी जगह के माध्यम से वर्षा जल बोरवेल में जाके संग्रह हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रकल्प।